Well, this is a national day of protest against the murder of democracy and the attacks on the left parties in Bengal and Tripura. आर्थिक तरह से भी हमले हो रहे हैं मतलब वहाँ मनरेगा का काम करीब करीब बंद हो गया है पीडीएस जो बहुत आराम से लोगों को मिल रहा था आधी से ज़्यादा जनता को राशन सब्सिडाइज राशन मिल रहा था अब उसमें उन्होंने वो अंगूठे का रिकग्निशन पहचान उसको अनिवार्य बना दिया है उसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है और इसलिए लोग मतलब बांग्लादेश जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए और शाम को वापस आते हैं वो भूख से मतलब मरने की कगार पर जनता वहाँ पर आ गई है और जनतंत्र के ऊपर तो इतना हमला है कि आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आपको परमिशन नहीं दी जाएगी और हमारे जो माननीय सरकार जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता हैं जब उन्होंने कोशिश की एक इलाके में जाने की तो उनका रास्ता रोक दिया गया खैर वो हटे नहीं और अंततोगता वो गए लेकिन अगर एक विपक्ष का नेता भी नहीं घूम सकता है पीड़ितों से नहीं मिल सकता है तो वहाँ हालत क्या होगी ये समझी जा सकती है पश्चिम बंगाल में सामने जो पंचायत इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में मैं कैंडिडेट था मैं जीता हूँ उधर जीतने के बाद वह जो गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट का कैडर तृणमूल कांग्रेस मेरे अंकल जी को खून कराया मेरे पिताजी को कराया लेकिन पिताजी हॉस्पिटल में था वो सिलीगुड़ी में था अभी ठीक है पिताजी मैं भी मुझे भी मारा है और भी कुछ लोग को मारा है पश्चिम बंगाल में 15-16 लोग थे ये पूरा आर्म्स लेके आया और अटैक किया हाँ पूरा आर्म्स लेके आया जो खून हुआ जो मर्डर हुआ उसका कमरेड रमजान मियाँ मेरा अंकल है उसका हेड में ये कोप डाला इधर हसुआ से जो बंगाल में चाप पत्ती कटता है वो वाला आर्म्स देकर इधर कोप मारा पिछोन वाला कोप मारा और मेरे पिताजी को सेम कोप मारा लेकिन पिताजी बच गया मैं भी आक्रांत हूँ मेरे और कोई साथी हो ये घटना के साथ जुड़ी है और आक्रमण हुआ है उधर बंगाल में ये जो मेरा बाजू में है वो खेतिहार मजदूर हमारा कमरेड हीरो लेट उनको भी बम इंजुरी हुआ ये पूरा मुख पूरा एकदम घायल हो गया था उसको घायल करके मिट्टी पर फेंक दे के चला गया था और हम लोग को पीछे से ये सोड लाठी और बम से अटैक किया था हमको भी सर पे चोट पहुंचा था और ब्लीडिंग इंजरी बहुत सारे खून निकला दूसरे बहुत कमरेड लोग भी घायल कर दिया ये पुलिस और आधिकारिक मौजूद है उन लोग को सामने में ऐसा काम हुआ ये आम हमला के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया उस वक्त लेकिन ये वामपंथियों कमरेड साथी लोग ये बहुत दिल से जोर से उधर शामिल हो गया था और नॉमिनेशन पेपर दाखिल करके 4-5 घंटे के अंदर नॉमिनेशन पेपर दाखिल करके भी उधर वहाँ से लौटा दूसरा बंगाल में तो लगातार 2011 के बाद लोकतंत्र का गला ही घोटा जा रहा है कोई भी चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है और CPIM के दर्जनों लोग मारे गए हैं कार्यकर्ताओं को मारा गया है महिला समर्थकों के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार किया गया है ये सारी घटनाएं वहाँ पर घट रही हैं अभी जो पंचायत का चुनाव हुआ उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये चुनाव नहीं ये फरेब हुआ है क्योंकि 33% सीटों पर तो नामांकन ही नहीं होने दिए तृणमूल सरकार ने लोक का जो डेमोक्रेसी है वोट देने का जो डेमोक्रेसी है वो बंगाल में नहीं था
लेकिन इसको फाइट करके मैं उधर जीता है, इसीलिए मेरे ऊपर ये अटैक किया। इस वक्त ये रुतलाइस अटैक किया है पूरा स्टेट में, पंचायत चुनाव का बर्बाद करने के लिए, अनकंटेस्टेड करने के लिए कोई विरोधी लोग को नॉमिनेशन दाखिल ना करने देने के लिए ये एक साजिश पहले से वो तय किया था। और इस साजिश में जो रूलिंग पार्टी का जो गुंडे लोग है वो उसको लोग वो सारे लोग को शामिल किया था। दे आर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा आफ्टर द बीजेपी आईपीएफटी अलायंस गवर्नमेंट they assume the office from the day one. Not only day one, the day of the counting of votes when they become the majority, the attack upon the democratic right, civil right, constitutional right has been started, and day by day, instead of having any control over there, under the leadership of the present the BJP IPFT government there, that means the minister and their political leaders, it has been being multiplied in different way, in different dimension. Here you have heard from our ex-chief minister, Comrade Manik Sarkar, more than 2,000 elected bodies by now. That is three-tier panchayat, there is the urban bodies, there is the autonomous district council of the tribals. The members, they have been compelled to tender their resignation under the dire consequences. Not only that, the officials of the opposition political parties, including Congress, not only the left alone, and trade union officials, on broad daylight, under the cover of the state police, state administration, the officials gutted, looted, vandalized, and occupied, and they have just put up their flags. So you see, the ideological enemy for the RSS and BJP is the left and the left parties. That is exactly the reason why they are mounting an increased attack after the elections and in Tripura. And now BJP thinks that they can come to power in West Bengal. So they want to see that instead of Trinamool, they really fear the power of the ideology and the party's position on issues of democracy and secularism. So that is why even Modi speaks about Vammukta Bharat. Such slogans are given by even Prime Minister. Left तो देखिए देश में बदलाव की ताकत है, और जो लोग देश में बदलाव नहीं चाहते, समाज में बदलाव नहीं चाहते हैं, जो भी समाज में शोषण है, दमन है, उत्पीड़न है, उसी को हमेशा हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि लेफ्ट आगे बढ़े, और इसीलिए लेफ्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं। देखिए, लेफ्ट के ऊपर निशाना इसलिए है भाजपा आरएसएस का, क्योंकि वो जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि अगर कोई सिद्धांतिक वैकल्पिक नीतियों का रास्ता कोई अपना सकता है, आर्थिक नीति हो या देश की एकता और अखंडता या सांप्रदायिकता के खिलाफ, इसके खिलाफ सिद्धांतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर और आंदोलन के तौर पर लेफ्ट ही है वो जो उनके सामने चुनौती दे सके। तो इसलिए देश के अंदर हिंसा और आतंक का वातावरण जो फैला रही है आरएसएस बीजेपी अपनी राजनीतिक फायदा के लिए, वो ठीक, वो एक अंश है, लेकिन उसके अंदर वामपंथियों को टारगेट करना, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि बाकी पार्टियों के लोगों को हम संभाल लेंगे, लेकिन इस सिद्धांतिक विकल्प को हमें जो है इसको कमज़ोर करना है। ये है कारण जिस वजह से हम निशाना है कि आज फिर नई परिस्थिति में लेफ्ट के लोग वो जनता के आंदोलन के जरिए ही इसका जवाब देंगे। आज पूरे देश में जब लोकतंत्र खतरे में है, लोग ये देखना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पक्ष में कौन है, इस भीड़ तंत्र के खिलाफ कानून के और संविधान की रक्षा की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में लेफ्ट की उपस्थिति जितनी मजबूत होगी, लेफ्ट की भूमिका जितनी मजबूत होगी, उतना ही मैं समझता हूँ कि लेफ्ट पर हमला करने वाले वो खुद किनारे पर जाएंगे, उनको इस देश में हार मिलेगी, और लेफ्ट वो तमाम जो बदलाव की विचारधारा है उसके साथ साथ लेफ्ट आगे बढ़ेगा। इन द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स, 6 ईयर्स बैक इन बंगाल, thousands of our activists have been injured, hundreds have been killed,
party offices have been attacked, and now the same process has begun in Tripura under the BJP government's rule. So to highlight this attack on democracy and democratic rights, we are conducting this dharna in Delhi and in all state capitals today.